नहीं पिलाएंगे, जाओ तो सही। चाय पीने गए दिखते हैं लोग, ये बाबा तो समोसे खुद खाने गए लेके नहीं आएंगे। गुड मॉर्निंग। नेक डालना है इसमें कांतली नदी। अरे ध्यान देना, हमारी बात हो गई थी यहाँ पे अंत्य प्रवाह की नदियों की बात चल रही थी, और अंत्य प्रवाह की नदियों में रिजाई लगा दें अब। अंत्य प्रवाह की नदियों में हमारी बात हो चुकी थी यहाँ पे, कांकनी ओब्लिक कांकनी नदी की बात कर चुके थे अपन, ठीक है ना। अब उसके बाद में सेकंड नंबर पे आ रही कांतली नदी, ध्यान देना। कांतली जो नदी है, समझना इसको, ये कांतली नदी सीकर जिले के खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, और सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियों से निकलने के पश्चात ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, ध्यान रखना, ठीक है ना, दक्षिण से उत्तर की ओर। इसका मतलब इसका अपवाह क्षेत्र तो सीकर में है, ध्यान रखना। फिर ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहने के पश्चात वर्तमान डिस्ट्रिक्ट के संदर्भ में बात करें तो आज वर्तमान में सीकर में से नीम का थाना अलग हो चुका, तो वर्तमान में नीम का थाना में भी इसका अपवाह क्षेत्र आ जाएगा, ध्यान रखना। अब इसके पश्चात सीकर नीम का थाना से होती हुई फिर ये सीधे पहुंचती है झुंझुनू में, ध्यान रखना। झुंझुनू जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बिल्कुल मध्यवर्ती भाग से गुजरती है, ध्यान रखना। अब आपसे सवाल पूछा जाए कि अंत्य प्रवाह की ऐसी कौन सी नदी है जो झुंझुनू को दो वर्गों में बांटती है, यानी कि पूर्व और पश्चिम के रूप में उसका विभाजन करती है, तो वो कांतली नदी आ जाएगी, ध्यान रखना। अब यहां पर ये झुंझुनू के मध्यवर्ती भाग से निकलने के पश्चात ये फिर उत्तर पश्चिम की तरफ हो जाती है झुंझुनू में, और उत्तर पश्चिम की तरफ जाने पर जाती है तो चूरू और झुंझुनू के बॉर्डर पर, ठीक है ना, चूरू और झुंझुनू के बॉर्डर पर रेतीला क्षेत्र आ जाता है, रेत के टीलों का क्षेत्र आ जाता है, और उसी रेत के टीलों के क्षेत्र पर जाकर के नदी पूरी तरह से वहां पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि कांतली नदी वर्तमान के संदर्भ में अपन देखें तो वर्तमान में सीकर और उसके पश्चात झुंझुनू, लेकिन वर्तमान में यहाँ पे एक नया और जिला बना दिया गया नीम का थाना, तो इन तीन डिस्ट्रिक्टों के डिस्ट्रिक्टों के धरातली क्षेत्र पर इसका अपवाह क्षेत्र आ जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पे। अब लेकिन सीकर की खंडेला की पहाड़ी से लेकर के चूरू झुंझुनू के बॉर्डर तक अपन देखें तो इसकी कुल लंबाई आ जाती है लगभग लगभग 100 किलोमीटर के करीब आ जाती है यहाँ पर, ठीक है ना, 100 किलोमीटर तक। इसलिए अब हमें ध्यान रखना कि राजस्थान के धरातल पर पूर्ण बहाव की दृष्टि से अंत्य प्रवाह की सबसे लंबी नदी, केवल राज्य के धरातल की बात करें तो राज्य के धरातल पर पूर्ण बहाव की दृष्टि से अंत्य प्रवाह की जो सबसे लंबी नदी आती है वो कौन सी आती है, कांतली नदी को इसमें शामिल। इसी के किनारे पर अपन देखें तो गणेश्वर सभ्यता जो सीकर में है लेकिन वर्तमान नीम का थाना जिसमें बात बात करें
तो गणेश्वर जो सभ्यता है वो इसी कांतली नदी के किनारे पर अपनी स्थिति रखता है। अब इसके पश्चात ध्यान देना कि इसका जो अपवाद क्षेत्र है वर्तमान में, इसके अपवाद क्षेत्र को वर्तमान में तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, क्या नाम दिया गया? तोरावाटी का नाम दिया गया। तो और इसका अपवाद क्षेत्र सीकर और झुंझुनू के अंतर्गत इसकी स्थिति आ जाएगी यहाँ पर। क्लियर? तो लिखना है इसमें यहाँ पे कांतली नदी का उद्गम स्थल, उद्गम स्थल, उद्गम स्थल में लिख देना खंडेला पहाड़ी, सीकर, उसके बाद गंतव्य स्थल चूरू व झुंझुनू, इस सीमा पर उसके बाद लिखने इसकी विशेषताएं, अपवाद क्षेत्र, क्षेत्र सीकर, नीम का थाना और झुंझुनू। अपवाद क्षेत्र झुंझुनू, इसका अपवाद क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। इसकी लंबाई 100 किलोमीटर, पूर्ण भाव की दृष्टि से अंतःप्रवाह की सबसे लंबी नदी, इसके निकट गणेश्वर सभ्यता स्थित है, इसके निकट गणेश्वर सभ्यता स्थित है। पूर्ण भाव की दृष्टि से, पूर्ण भाव यानी कि राजस्थान वाला एरिया जो है पूर्ण भाव, की दृष्टि से अंत्य प्रवाह की सबसे लंबी नदी। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद नेक डालना मंथा नदी, नेक्स्ट मंथा नदी। ठीक है ना, मंथा नदी।
मंथा नदी, नेक्स्ट डालना। समना देखिए मंथा जो नदी है, समझना इसको, ये ज्यादा बड़ी नदी नहीं है। यहां ध्यान देना, ये जयपुर अजमेर और नागौर के बॉर्डर पर, यहां पर अपन देखें तो एक झील आती है जिसको अपन बोलते हैं सांभर झील, ठीक है ना, यहाँ पे सांभर झील। तो जयपुर जो है यहाँ जयपुर के इस तरफ यानी जयपुर शहर के पास में यहाँ पर इस स्थान पे हम देखें तो एक पहाड़ी आती है जिसका नाम है मनोहरपुर की पहाड़, ठीक है ना, जयपुर में मनोहरपुर की पहाड़ी आती है। तो ये नदी मंथा नदी जयपुर की मनोहरपुर की पहाड़ियों से निकलती है, मनोहरपुर की पहाड़ियों से निकलने के पश्चात जयपुर से बहती है और फिर ये जयपुर से निकल करके फिर ये सीधी जाती है नागौर में, ध्यान रखना। लेकिन वर्तमान नागौर में देखें तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ गया, डीडवाना कुचामन, पहले नागौर होता था। अब यहां से निकलने के पश्चात फिर ये नागौर के डीडवाना कुचामन में फिर ये उत्तर से दक्षिण आती है और उत्तर से दक्षिण आकर के और नागौर में ही यानी कि डीडवाना कुचामन के क्षेत्र में आकर के और सांभर झील में जाकर के गिर जाती है। इसका मतलब वर्तमान के संदर्भ में इसके अपवाद क्षेत्र की डिस्ट्रिक्टों की बात करें, पुराने डिस्ट्रिक्टों में हम देखें तो जयपुर और नागौर आता था, लेकिन आज वर्तमान में अपन देखें तो जयपुर और कौन सा जाएगा, यहाँ पर जयपुर ग्रामीण आएगा, ध्यान रखना जयपुर शहर नहीं आएगा, जयपुर ग्रामीण और डीडवाना कुचामन इन दोनों क्षेत्रों से प्रवाहित होकर के और ये सीधी जाकर के सांभर झील में गिर जाती। इसका मतलब मंथा नदी के अपवाद क्षेत्र में, मंथा नदी को अपवाद क्षेत्र के रूप में विकसित करने में जो सबसे बड़ा योगदान माना जाता है वो यहाँ पर कौन सी झील को माना जाता है, सांभर झील को माना। यदि सांभर झील नहीं होती तो निश्चित ही अंतर प्रवाह के रूप में परिवर्तित नहीं होती, आगे भी प्रवाहित हो पाती कहीं ना कहीं यहाँ पर, ठीक है। तो लिखना भी इसमें कंटिन्यू लिख देना, ठीक ना, जयपुर के, जयपुर ग्रामीण के, जयपुर ग्रामीण के मनोहरपुर की पहाड़ियों से, जयपुर ग्रामीण के मनोहरपुर की पहाड़ियों से, मनोहरपुर की पहाड़ियों से निकलकर, निकलकर जयपुर के मनोहरपुर ग्रामीण के मनोहरपुर की पहाड़ियों से निकलकर नागौर वर्तमान डीडवाना कुचामन, नागौर वर्तमान डीडवाना कुचामन से होती हुई से होती हुई सांभर झील में गिरती है। सांभर झील में गिरती है, ठीक है। अब इसके बाद डालना घग्गर नदी, घग्गर नदी, घग्गर नदी। अरे इसको बंद कर लो यार, समझने इसको, ध्यान देना घग्गर नदी के बारे में। घग्गर नदी का जो अपवाद क्षेत्र है, ध्यान देना था, यहाँ पे हमारा राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र आ चुका, गंगानगर हनुमानगढ़ वाला एरिया, इसके ऊपर पंजाब, पंजाब के ऊपर हिमाचल प्रदेश, इसको समझना। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में हिमालय की एक दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है शिवालिक, ठीक है ना, शिवालिक। और शिवालिक पर्वत श्रृंखला के ऊपरी किनारे पर यहाँ पर एक स्थान आता है जिसका नाम है धर्मशाला, ठीक है ना, धर्मशाला। और धर्मशाला के निकट ही यहां पर एक पहाड़ी आती है जिसका नाम है कालका की पहाड़ी, ठीक है ना, कालका पहाड़ी। तो आपको यह ध्यान रखना है कि घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पर्वत श्रृंखला में स्थित धर्मशाला के निकट कालका की पहाड़ी से निकलती है, ध्यान रखना। तो लोकेशन कोई सा भी ले सकता है एग्जाम में, शिवालिक पर्वत भी ले सकता है, कालका की पहाड़ी भी ले सकता है, यहां पर ये के नाम से धर्मशाला भी ले सकता है, तो कोई सा भी एक लेगा, ध्यान रखना है। अब यहां से ये निकल करके,
ठीक है ना, इस क्षेत्र से निकल करके और ये शिवालिक से निकल करके उत्तर से दक्षिण की ओर आती है, और ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ करके फिर ये सीधा पहला इसका राज्य आएगा हिमाचल प्रदेश, और फिर ये सीधा आती है पंजाब में, अगला राज्य इसका आएगा पंजाब। पंजाब के पश्चात फिर ये आती है यहां पर सीधी हरियाणा में, ठीक है ना। इसके बाद में इसका अगला राज्य कौन सा आएगा, हरियाणा। हरियाणा का यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सिरसा, सिरसा के आसपास के क्षेत्र से नदी प्रवाहित हो पाती। अब यहां से ये हरियाणा के सिरसा से निकलने के पश्चात अब ये सीधे ये गंगा नदी हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ में यहां पर इस स्थान पर एक तहसील आती जिसका नाम है टिब्बी तहसील। क्या नाम है, टिब्बी। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील में राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश करती है, ध्यान रखना। अब टिब्बी तहसील में प्रवेश करने के पश्चात ये नदी फिर यहां पे हनुमानगढ़ में पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, और जब पूर्व से पश्चिम की ओर चलती तो इसके निकटवर्ती क्षेत्र में यहां पे ध्यान देना एक दुर्ग आता है जिसका नाम है बटनेर दुर्ग, ठीक है ना। क्या नाम है, बटनेर। बटनेर के मैदानी के आसपास के क्षेत्र में ये नदी क्या करती है, प्रवेश करती है। अब इसके पश्चात ये फिर पश्चिम की ओर जाती है। अब गंगा नदी जब पश्चिम की ओर जाती है तो हनुमानगढ़ में इस बटनेर दुर्ग के आसपास के क्षेत्र में इस नदी के द्वारा यहां पर एक झील बनाई जाती है, झील को अपन बोलते हैं तलवाड़ा झील। क्या नाम है, तलवाड़ा झील। अब आपको यह ध्यान रखना कि जब इस नदी में बारिश अधिक होती है, नदी के आसपास के क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, तब तो पानी आगे जाएगा, जैसे इस बार 2023 में हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और यदि बारिश नहीं होती ज्यादा पहाड़ी क्षेत्रों में, तो इसका पानी सीधा हनुमानगढ़ के तलवाड़ा झील में आकर के क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब आपसे सवाल पूछा जाए कि जब गंगा नदी में बाढ़ नहीं आए तो इसका गंतव्य स्थल कौन सा होगा, तो तलवाड़ा झील होगा, ध्यान रखना, क्लियर चीज यहां पर। अब इसके पश्चात तलवाड़ा झील से जब बाढ़ आती है इसमें, तब पानी तलवाड़ा झील से आगे निकलता है। अब ये पानी यहां से निकलने के पश्चात हनुमानगढ़ से जाकर के अब ये सीधा श्रीगंगानगर में पहुंचता है, और श्रीगंगानगर में यहां पर इस स्थान पर एक कस्बा आता है जिसका नाम है सूरतगढ़, ठीक है ना, सूरतगढ़। और सूरतगढ़ के आसपास के क्षेत्र में आकर के इस नदी का पानी पूरी तरह से क्या हो जाता है, फैल जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूरतगढ़ के आसपास के क्षेत्र में इस नदी का तल जो है ना, नदी यानी कि इसका जो एरिया है ना आसपास, वो इससे क्या है, नदी के तल से नीचे है, इसलिए वो पूरा पानी फैल जाता है। अब ऐसा क्यों, ध्यान रखना, हमेशा नदी पहाड़ी क्षेत्रों में ध्यान रखना लंबवत कटाव करती है, इसलिए नदी पहाड़ों में वी शेप की वैली बनाती है, वी आकार की घाटियां ज्यादा बनाती है। पहाड़ों में नदी की चौड़ाई कभी हो ही नहीं सकती, ध्यान रखना, हमेशा गहराई ज्यादा होगी पहाड़ों के। लेकिन जैसे ही मैदान में नदी प्रवेश करती है तो मैदान में नदी क्षितिज कटाव करती है, और क्षितिज कटाव करती है तो इस वजह से मैदान में नदी की चौड़ाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और इस वजह से जब चौड़ाई बढ़ती है तो उसके दोनों किनारे पर पानी फैल जाता है, और आसपास का पूरा क्षेत्र क्या हो जाता है, जलमग्न हो जाता है। इसलिए अब हमें यह ध्यान रखना है कि आपसे सवाल पूछा जाए कि गग्गर नदी सूरतगढ़ के आसपास के क्षेत्र को बाढ़ से प्रभावित करती है, जब बाढ़ आती है तब तो बाढ़ के क्षेत्र को बाढ़ से प्रभावित क्यों करती है, वो इसलिए करती है क्योंकि इन क्षेत्रों में क्षितिज कटाव के कारण से इसका क्षेत्र नदी के तल से नीचे होने के कारण से पानी पूरी तरह से आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है, इसलिए यहां पर बाढ़ से ज्यादा प्रभावित क्षेत्र माना जाता है यहां पर। अब आगे ध्यान देना कि सूरतगढ़ में ये बाढ़ का पानी फैल जाता है, जैसे इस बार आपने देखा ही होगा हिमालय में खूब बारिश हुई थी और गग्गर में बाढ़ आई थी इस बार को, और गग्गर में यहाँ पे सूरतगढ़ के आसपास के जो खेत थे वो पूरे के पूरे क्या हो गए, लबालब हो चुके थे और उनकी फसल को नुकसान पहुंचा था। अब यहां से सूरतगढ़ से निकलने के पश्चात वर्तमान यहाँ पे अपन देखें तो एक नया डिस्ट्रिक्ट आ रहा है जिसका क्या नाम है, अनूपगढ़, ठीक है ना, अनूपगढ़ से निकलती है। वैसे देखा जाए तो पहले ये गंगानगर के सूरतगढ़ और अनूपगढ़ कस्बे से होकर के जाती थी, और ये अनूपगढ़ जो कस्बा है ना बॉर्डर के निकटवर्ती क्षेत्र में आ जाता है, और बॉर्डर तक ये पानी पहुंचता है, और बॉर्डर के यहाँ पे तारबंदी है पूरी की पूरी, ध्यान रखना, और इस तारबंदी के क्षेत्र में पानी पूरा फैल जाता है और जलमग्न हो जाता है, और हमारी सेना के लिए सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है वर्षा के मौसम के दौरान। अब यहां से निकलने के पश्चात फिर यह अनूपगढ़ से निकल करके और यहां पर यह हमारे राजस्थान की सीमा को छोड़ देती है, और सीधे पाकिस्तान का यहां पर एक प्रांत आता है जिसका नाम है पंजाब प्रांत,
और ये पंजाब प्रांत में प्रवेश करती है, तो यहां पर इस स्थान पर इसको स्थानीय स्तर पर क्या नाम देते हैं, हकरा का नाम दिया जाता है, ठीक है ना, हकरा के नाम से जाना जाता है। अब ये नदी यहां पे फिर पश्चिम की ओर जाती है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, और पश्चिम की ओर जाने के पश्चात अब ये पश्चिम क्यों जा रही, क्योंकि इसका ढाल जो है इधर की ओर हो गया, और ये नदी के तल से नीचे वाला एरिया है ध्यान रखना, और फिर अंत में जाकर के पाकिस्तान के पंजाब के उत्तर पश्चिमी किनारे पर यहां पर एक स्थान आता है जिसका नाम है फोर्ट अब्बास, ठीक है ना, फोर्ट अब्बास। और इस फोर्ट अब्बास नामक स्थान पर जाकर के इस नदी का पानी पूरी तरह से क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। आपसे सवाल पूछा जाता है कि जब घग्गर नदी में बाढ़ नहीं आए तो पानी तो कौन सी झील तक पहुंचेगा, तलवाड़, और जब बाढ़ में इस नदी में जब बाढ़ का पानी ज्यादा आता है तो पाकिस्तान में कहां तक पहुंचता है, फोर्ट अब्बास, और जब इस नदी में पानी ज्यादा आता है तो हमारे राजस्थान का कौन सा कस्बा बाढ़ से ज्यादा प्रभावित होता है, तो वो कौन सा होता है, सूरतगढ़ के आसपास का क्षेत्र इससे क्या होता है, ज्यादा प्रभावित होता है। अब आप आगे ध्यान देना, वहां से लेकर के यहां तक अपन देखें तो इसकी लगभग लगभग जो लंबाई आती है 465 किलोमीटर तक आ जाती है। तो अंतःप्रवाह की सबसे लंबी नदी, तो अंतःप्रवाह की जो सबसे लंबी नदी मानी जाएगी वो लंबी नदी कौन सी मानी जाती है, घग्गर नदी को इसमें यहाँ पे शामिल किया जाता है। एक और हमें ध्यान रखना है कि इस घग्गर नदी का जिक्र पुराणों में भी किया गया है, ठीक है ना, इसीलिए इसको प्राचीन चोतांग का भी नाम दे देते हैं, ध्यान रखना। इसी नदी के पाट में कोई समय में सरस्वती नदी बहा करती थी, ध्यान रखना कौन सी नदी, सरस्वती, और ये सरस्वती नदी इस क्षेत्र में यहां पर क्या हो गई, सूख गई, यहां पर सूखी, क्यों ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ की जलवायु दशाओं में परिवर्तन होने के कारण से यहाँ पर क्या हो गया, इसके वर्षा की कमी होने के कारण से नदी घाटी सूखती चली जाती है। कुछ वैज्ञानिक तो ये मानते हैं, कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि नहीं, इस क्षेत्र में सरस्वती नदी के नष्ट होने के पीछे कारण जलवायु दशाओं का परिवर्तन नहीं है, बल्कि दूसरा रीजन माना जाता है, और वो दूसरा रीजन ये माना जाता है कि इस क्षेत्र में नदी का क्या किया गया, अपहरण किया गया। नदियों के क्षेत्र में एक आकृति बनती जिसको अपन बोलते हैं सरिता अपहरण, रिवर कैप्चरिंग जिसको अपन कह देते हैं यहाँ पे। तो सरिता अपहरण में क्या होता है, ध्यान रखना कि जैसे कि यहां पर एक मुख्य नदी बह रही है इस स्थान पर और इसका पानी उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहा है, क्लियर, और इसी के पैरेलल यहां पर कोई एक और नदी बह रही है यहां पे, ठीक है ना, नदी बहती, तो ये एक नदी है। हमेशा नदी जहां से उद्गम होता है ना, उस उद्गम वाले क्षेत्र पर नदी अपना कटाव भी करती है, ठीक है ना, कटाव करती है, और ये जब पीछे की तरफ यहां पर नदी का जैसे जैसे कटाव होता गया, कटा गया, होता गया, धीरे धीरे कटती चली गई, और कटने के पश्चात एक समय ऐसा आया कि ये जो बी नाम की नदी थी वो यहां पर ए नाम की नदी के कटाव होकर के यहां तक पहुंच गया, यानी कि ये पूरा एरिया यहां आ गया, ठीक है ना, इसका मतलब बी नाम की नदी के द्वारा ए नाम की नदी का क्या कर लिया गया, जल का अपहरण कर लिया, इसको बोलते हैं सरिता अपहरण। अब यहां पर ए नाम की नदी का पानी नीचे न जाकर के ये पानी सीधा इसमें चला गया, यहां पे ये चला गया, और ये पानी इसमें जाने के पश्चात अब इसमें यहां से आगे पानी नहीं जा पा रहा, तो ये घाटी इसको क्या बोलते हैं, शुष्क घाटी का नाम देते हैं, ड्राई वैली जिसको अपन कहते हैं। इसका मतलब ए नाम की नदी कुछ किलोमीटर तक तो बहेगी और उसके पश्चात बी नाम की नदी में जाकर उसका पानी समाहित हो जाता है, और आगे जो ए नाम की नदी जो पहले बहती थी वहां पानी नहीं पहुंच पा रहा वर्तमान में, तो वहां पर पूरी नदी घाटी खाली रहती, तो उसको शुष्क घाटी का नाम देते हैं। तो ऐसा ही स्थिति यहाँ पे भी माना गया कि सरस्वती नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में कोई नदी और बहती थी और उस नदी के द्वारा इस सरस्वती नदी का अपहरण कर लिया गया और उस नदी का पानी उसमें बहने लग गया और सरस्वती नदी के आगे वाले राजस्थान के आसपास के क्षेत्र में पानी नहीं पहुंच पाए, इस वजह से इस नदी का पानी पूरी तरह से सूख चुका था। और ये पूरी सरस्वती नदी आज वर्तमान में हम देखें तो कौन सी घाटी के नाम से जानी जाती है, शुष्क घाट, और वर्तमान में इस नदी के पार्ट में कौन सी नदी बहती है, घग्गर नदी, और ये घग्गर नदी वर्तमान में अपरदन का कार्य करती तो किसके रूप में करती है, नाली के रूप में, इस वजह से इसके अपवाह क्षेत्र को भी अपन क्या नाम दे देते हैं, नाली का भी नाम दे दिया जाता है। लेकिन वर्तमान के वैज्ञानिक ध्यान देना, हमारे भारत सरकार की जो इसरो अंतरिक्ष जो एजेंसी है उसने सैटेलाइट सर्वे के आधार पर बताया गया कि इस घग्गर नदी के पार्ट में वर्तमान में भी सरस्वती नदी प्रवाहित होती है, और सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार के द्वारा कमेटी बना रखी बाकायदा इसके ऊपर रिसर्च करने को लेकर, और वर्तमान में हम सैटेलाइट इमेज के आधार पर हम देखें तो सरस्वती जो नदी है वर्तमान में यहाँ पे हनुमानगढ़ के टिब्बी
गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर के मोहनगढ़ तक इस क्षेत्र में हम देखें तो धरातल की सतह के नीचे आज भी इस नदी का पानी प्रवाहित हो पाता है। और इस क्षेत्र में विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादन वाली विभिन्न कंपनियां यहां पर नलकूप के माध्यम से आंतरिक भाग से पानी निकालती है। और रिपोर्ट में ये कहा गया यदि इस सरस्वती नदी के पानी को यदि तरीके से निकाला जाए, यदि ढंग से इसका यूटिलाइज किया जाए, तो आने वाले 25 से 30 वर्षों तक इस सरस्वती नदी के पानी को इस क्षेत्र में उपयोग में लिया जा सकता है। इतना पानी आंतरिक भाग में अभी भी क्या है, भरा हुआ है इसके अंतर्गत। तो आपसे सवाल पूछा जाए कि सरस्वती गंगा नदी के पार्ट में यहां पर सरस्वती नदी वर्तमान में सतह पे तो किस घाटी के रूप में, शुष्क घाटी के रूप में प्रवाहित हो पा रही, यानी शुष्क घाटी के रूप में दिखाई दे पाती है। इसी सरस्वती गंगा नदी को यहाँ पे हम नट का भी नाम देते, इसी को मृत का भी नाम देते, इसी को सोतर का भी नाम देते, इसी को प्राचीन देशवंती का भी नाम दिया जाता है और इसी को प्राचीन यहाँ पे चोतांग का भी नाम दिया जाता है। ध्यान रखना, आगे ध्यान देना। आज हम देखें तो ये गंगा नदी शिवालिक से निकलती और शिवालिक के आसपास के क्षेत्रों में वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर तक होती है। ध्यान रखना, इसका मतलब अधिक वर्षा है। और राजस्थान का गंगानगर हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में 25 से 50 तक मोटा मोटा मान ले वर्षा इतनी हो रही, तो ऊपर तो वर्षा ज्यादा है और नीचे वर्षा कम। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा अंतः प्रवाह की एकमात्र ऐसी कौन सी नदी है जिसका अपवाह क्षेत्र अधिक वर्षा से कम वर्षा की ओर विकसित हुआ है। समझ गए होगे आप मेरे हिसाब से, अंतः प्रवाह की ऐसी कौन सी नदी है जिसका अपवाह क्षेत्र अधिक वर्षा से कम वर्षा की ओर विकसित हुआ है, तो वो नदी कौन सी होगी, गग्गर। क्योंकि यहां तो वर्षा क्या होती है, ज्यादा, और इस क्षेत्र में देखें तो वर्षा क्या होती है, कम, इस वजह से अधिक से कम वर्षा के रूप में शामिल करते हैं। वहीं फिर हम देखें तो गग्गर नदी के पूर्वी किनारे पर इस स्थान पर पड़ोसी राज्य आ जाएंगे, इसका मतलब ये नदी यहां पर अंतरराज्य सीमा का निर्धारण करती है। इसके पश्चिमी किनारे पर पाकिस्तान आ जाएगा, तो इसका मतलब ये अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कर रही है। अंतः प्रवाह की ऐसी कौन सी नदी है जो अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमाओं का निर्धारण करती है, तो वो नदी कौन सी आती है, यहाँ पे गंगा नदी को इसमें शामिल किया जाता है यहाँ पर, क्लियर। तो लिखना बस, लिखना उद्गम स्थल, उद्गम स्थल, उद्गम स्थल में लिखना हिमालय के शिवालिक पर्वत, हिमालय के शिवालिक पर्वत में स्थित, हिमालय के शिवालिक पर्वत में स्थित, शिवालिक पर्वत में स्थित धर्मशाला के निकट, धर्मशाला के निकट कालका की पहाड़ी, कालका की पहाड़ी, कालका की पहाड़ी, उसके बाद लिखना गंतव्य स्थल, गंतव्य स्थल, गंतव्य स्थल, गंतव्य स्थल में लिखना, लिखना तलवाड़ा झील, तलवाड़ा झील के ब्रैकेट में लिखना बाढ़ नहीं आने पर, तलवाड़ा झील के ब्रैकेट में बाढ़ नहीं आने पर, उसके बाद गंतव्य स्थल में सेकंड नंबर पे लिखना फोर्ट अब्बास, फोर्ट अब्बास, बाढ़ आने पर, बाढ़ आने पर, ठीक है, फोर्ट अब्बास बाढ़ आने पर। अब इसकी विशेषता लिखना, विशेषताएं, इसका अपवाह क्षेत्र हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, इसका अपवाह क्षेत्र हिमाचल, पंजाब, हरियाणा,
इसका अपवाद क्षेत्र हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में है। राजस्थान में है। उसके बाद लिखना लिखना, इससे बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र, इसके बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र सूरतगढ़ है। इसके बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र सूरतगढ़ है, जिसका मुख्य कारण, जिसका मुख्य कारण कारण क्षैतिज कटाव या क्षैतिज अपरदन, जिसका मुख्य कारण क्षैतिज अपरदन से, क्षैतिज अपरदन से इसके निकटवर्ती क्षेत्र का, क्षैतिज अपरदन से इसके निकटवर्ती क्षेत्र का तल तल नदी के तल से नीचा होना। निकटवर्ती क्षेत्र का तल नदी के तल से नीचे होना। आगे लिखना, यह राजस्थान में सर्वप्रथम टिब्बे में प्रवेश करती है। राजस्थान में सर्वप्रथम टिब्बे में प्रवेश करती है। आगे लिखना, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इसे, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इसे हकरा कहते हैं। कि पंजाब प्रांत में इसे हकरा कहते हैं। नेक्स्ट लिखना, इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर, चार सौ पैंसठ किलोमीटर। नेक्स्ट लिखना, यह अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। वो पूर्ण भाव के आधार है, पूर्ण भाव का मतलब हमारे धरातली क्षेत्र की बात करें, पूरा पे बात करें। हमने कहा कि पूर्ण भाव की दृष्टि से अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी या सबसे बड़ी, तो वो क्या नाम, कांतली, और अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी तो फिर कौन सी आएगी, घग्गर नदी, पूरे वहां से यहां तक वाले, ठीक है ना। अंतः प्रवाह की, यह अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। ठीक, आगे लिखना, आगे लिखना, इसके निकट बटनेर, तलवड़ा झील, इसके निकट बटनेर, तलवड़ा झील, सूरतगढ़, अनूपगढ़, इसके निकट बटनेर, तलवड़ा झील, सूरतगढ़, अनूपगढ़ स्थित हैं। स्थित हैं। उसके बाद लिखना, इसका अपवाद क्षेत्र, इसका अपवाद क्षेत्र अधिक वर्षा से, इसका अपवाद क्षेत्र अधिक वर्षा से कम वर्षा की ओर है। इसका अपवाद क्षेत्र अधिक वर्षा से कम वर्षा की ओर है। नेक्स्ट लिखना, इसे नट मृत, इसे नट मृत सोतर, प्राचीन चोतांग,
इसे नट मृत सोतर प्राचीन चोतांग चोतांग प्राचीन सरस्वती या देशवंती प्राचीन सरस्वती या देशवंती का नाम दिया गया है का नाम दिया गया है। नेक्स्ट लिखना, इसका अपवाद क्षेत्र नाली कहलाता है। इसका अपवाद क्षेत्र नाली कहलाता है। और इसके निकट का उपजाऊ क्षेत्र और इसके निकट का उपजाऊ क्षेत्र बग्गी और इसके निकट का उपजाऊ क्षेत्र बग्गी कहलाता है। नेक्स्ट लिखना, प्राचीन सरस्वती नदी प्राचीन सरस्वती नदी टिब्बी से लेकर प्राचीन सरस्वती नदी टिब्बी से लेकर लेकर टिब्बी से लेकर जैसलमेर के मोहनगढ़ तक जैसलमेर के मोहनगढ़ तक वर्तमान में आंतरिक रूप में प्रवाहित होती है वर्तमान में आंतरिक रूप में प्रवाहित होती है। प्रवाहित होती है। नेक्स्ट लिखना, सरस्वती नदी के लुप्त होने का मुख्य कारण सरस्वती नदी के लुप्त होने का मुख्य कारण सरिता अपहरण सरिता अपहरण व जलवायु दशाओं में परिवर्तन को माना है। सरिता अपहरण व जलवायु दशाओं के परिवर्तन को माना है। ठीक, नेक्स्ट लिखना, यह अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय यह अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्य अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्य सीमाओं का निर्धारण करती है सीमाओं का निर्धारण करती है। ठीक है, एक ये सीक्वेंस ध्यान रखना आप कि घग्गर नदी के अपवाद क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों का, तो यहाँ बटनेर फिर तलवाड़ा फिर सूरतगढ़ फिर अनूपगढ़ और लास्ट में कौन सा है फोर्ट अपर, ये आप ध्यान रखना, इसकी फोटो खींच ले फिर मैप बना लेना आप बाद में ना, है ना। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी घग्गर। अब इसके बाद में नेक डालना साबी नदी। साबी नदी समझना इसको, साबी नदी को इसकी लोकेशन को ध्यान देना। देखिए साबी जो नदी है, यहाँ पे जयपुर ग्रामीण की बात करें
तो जयपुर ग्रामीण में यहाँ पर एक पहाड़ी क्षेत्र आता है और इस पहाड़ी को अपन नाम देते हैं सेवर की पहाड़ी, ठीक है ना, सेवर पहाड़ी। लेकिन एक अपन ने बात की थी दिवेर की पहाड़ी, वो आती कहां पे, राजसमंद, ध्यान रखना। और सेवर की पहाड़ी आएगी जयपुर में, आएगी जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आ जाती है। अब ये जो नदी है साबी नदी, ये जयपुर ग्रामीण के आसपास के क्षेत्र के सेवर पहाड़ियों से निकलती है और यहां से निकलने के पश्चात ये फिर सीधे प्रवेश करती है अलवर डिस्ट्रिक्ट में। ध्यान देना, ये कोटपूतली भैरोड ये वाला जो एरिया है, ये पूरा जो क्षेत्र है, ठीक है ना, ये पहले पूरा का पूरा अलवर माना जाता था, ये वाला, समझ रहे हो आप ना। लेकिन अब इसमें से दो पार्ट कर दिए गए, ऊपर वाला खैरतल तिजारा और इधर कर दिया कोटपूतली भैरोड। अब क्या है कि ध्यान रखना कि वर्तमान के संदर्भ में हम देखें तो ये नदी जो है यहां पे जयपुर से निकल करके और सीधे के सीधे यहां से ये सीधे कोटपूतली में प्रवेश करती है। ध्यान रखना, पहले ये के नाम से कि अलवर वाला हिस्सा भी इसमें आता था, तो वो अलवर वाला आगे ऊपर आएगा। ध्यान रखना, अब यहां पर कोटपूतली में प्रवेश करने के पश्चात ध्यान रखना यहां पर एक छोटा सा कस्बा आता था अलवर का जिसका नाम है बांसुर, वहां से होकर के गुजरती थी ये नदी और बांसुर को आज वर्तमान में ले लिया गया कोटपूतली भैरोड। ध्यान रखना, अब यहां से ये नदी गुजर करके बांसुर से होती हुई दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही, तो अब यहां पर एक कस्बा आएगा भैरोड। ध्यान रखना, भैरोड पहले अलवर का हिस्सा हुआ करता था और अब कोटपूतली भैरोड में आ गया वो अलग से। अब यहां से कोटपूतली भैरोड से, भैरोड से होकर के अब यहां पर ध्यान रखना एक कस्बा आएगा नीमराणा। ध्यान रखना, और नीमराणा एक औद्योगिक क्षेत्र है और नीमराणा पहले अलवर का हिस्सा हुआ करता था और नीमराणा अब आ चुका किसमें, कोटपूतली भैरोड में आ चुका। अब नीम, अब आपसे सवाल पूछा जाता है कि अंतः प्रवाह की ऐसी कौन सी नदी है जिसके किनारे पर नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र वर्तमान में स्थित है, तो वो नदी कौन सी आएगी, साबी नदी को इसमें शामिल करते हैं। अब यहां से ये नीमराणा औद्योगिक क्षेत्रों से गुजरने के पश्चात यहां पर ये तीजा खैरतल वाला हिस्सा आ जाएगा पश्चिमी क्षेत्र में, ये पहले हिस्सा अलवर का ही हुआ करता था, ठीक है ना, और ये खैरतल के उत्तर पश्चिमी किनारे से होकर के गुजरती है। यहां से गुजरने के पश्चात अब ये सीधे खैरतल तिजारा को छोड़ करके और ये फिर सीधे हरियाणा में प्रवेश करती है और हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट आता है जिसका नाम है रेवाड़ी। क्या नाम है, रेवाड़ी। रेवाड़ी में प्रवेश करने के पश्चात अब रेवाड़ी के उत्तर पश्चिम की तरफ चली जाती है और रेवाड़ी के उत्तर पश्चिम किनारे पर हम देखें तो यहां पर एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है पटौदी, ठीक है ना, पटौदी एक ग्रामीण क्षेत्र आता है रेवाड़ी के अंतर्गत यहां पर, और इसी पटौदी के ग्रामीण एरिया में जाकर के ये नदी पूरी तरह से क्या हो जाती है, फैल जाती है, पानी फैल जाता है। और आज भी हरियाणा में इस पटौदी के आसपास के क्षेत्र में यहां पर आज उसकी नमी इतनी अधिक रहती है कि उस नमी के कारण से इन क्षेत्रों में गन्ना का प्रोडक्शन होता है, गन्ने की खेती की जाती है। और इस नदी के पार्ट में पहले इतनी अधिक वर्षा हुआ करती थी, इतनी अधिक वर्षा होने के कारण से इसमें इतनी अधिक बाढ़ आया करती थी कि राज्य सरकार इस नदी के ऊपर कोई भी डैम नहीं बना पाती थी। यहाँ पे पहले इतनी इसमें बारिश बाढ़ आया करती थी इसके अंदर, क्यों, क्योंकि इसका जो स्लोप था ना वो सारा हरियाणा की तरफ था और इससे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित जो कस्बा हुआ करता था वो भैरोड हुआ करता, भैरोड के आसपास का क्षेत्र जल पलावा यानी कि जलमग्न हुआ करता था कहीं ना कहीं यहाँ पे। लेकिन आज वर्तमान में बारिश कम हो गई और इस वजह से इसमें पानी खत्म हो चुका कहीं ना कहीं, तो वर्तमान में इसका अपवाद क्षेत्र जयपुर ग्रामीण, अलवर जो कि पहले अलवर माना जाता था, कोटपूतली भैरोड, खैरतल तिजारा, ये इसके अपवाद क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाएगा। ध्यान रखना, अब इसके पश्चात ध्यान रखना खैरतल तिजारा के ऊपर अपन देखें तो इस स्थान पर दिल्ली आ जाएगा यहाँ पे और दिल्ली से एक नेशनल हाईवे निकलता है NH 48। ध्यान रखना, ठीक है ना, NH 48, और ये यहां से आकर के ये आपके यहाँ के नाम से भैरोड और कोटपूतली से होता हुआ जयपुर से होता हुआ सीधा मुंबई की तरफ निकल जाता है। तो ये NH 48 तो ऊपर से नीचे आ रहा है और ये नदी जा रही है दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, तो अब सीधा सा सवाल पूछा जाता है कि अंतः प्रवाह की ऐसी कौन सी नदी है जो NH 48 के समानांतर दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, तो वो नदी यहाँ पे कौन सी आएगी, साबी नदी को इसमें यहाँ पे शामिल किया जाता है इसी तरह पे यहाँ पे, क्लियर जी। तो हमें इसको ध्यान रखना, सेवर की पहाड़ी से निकलती है और पटौदी में जाकर के क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है।
है ना, तो लिखना इसमें साबित, लिखना उद्गम स्थल, उद्गम स्थल सेवर पहाड़ी जयपुर, सेवर पहाड़ी जयपुर, उसके बाद गंतव्य स्थल, गंतव्य स्थल पटोदी, पटोदी ब्रैकेट में कर देना रेवाड़ी हरियाणा, रेवाड़ी हरियाणा, उसके बाद लिखना विशेषताएं, विशेषताएं, विशेषताओं में लिखना इसका अपवाद क्षेत्र, इसका अपवाद क्षेत्र जयपुर ग्रामीण कोमा कोटपूतली बहरोड कोमा खैरतल तिजारा, खैरतल तिजारा, जबकि पुराने जिलों में जयपुर व अलवर शामिल थे, जबकि पुराने जिलों में जयपुर व अलवर शामिल, उसके बाद लिखना इसके किनारे नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, इसके किनारे नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, उसके बाद लिखना यह NH 48 के, यह NH 48 के समानांतर प्रवाहित होती है, समानांतर दक्षिण से उत्तर की ओर लिखना, यह NH 48 के समानांतर दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, यह NH 48 के समानांतर दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, उसके बाद लिखना कोई समय इसमें अधिक बाढ़ आने के कारण, कोई समय इसमें अधिक बाढ़ आने के कारण, आने के कारण इस पर कोई बांध नहीं बनाए गए, इस पर कोई बांध नहीं बनाए गए, आगे लिखना हरियाणा में इसके अपवाद क्षेत्र में, हरियाणा में इसके अपवाद क्षेत्र में गन्ना का उत्पादन होता है, हरियाणा में इसके अपवाद क्षेत्र में गन्ना का उत्पादन होता है, ठीक है। अब उसके बाद डालना रूपा रेल नदी, रूपा रेल, रूपा रेल, समान इसको ध्यान देना, ध्यान देना रूपा रेल नदी को स्थानीय स्तर पर, ध्यान देना रूपा रेल नदी को स्थानीय स्तर पर इसको लसवारी या फिर इसको वराह कह देते, पहले एक बार इसको समझ लेना ध्यान, ठीक है ना। तो स्थानीय स्तर पर इसको क्या कह रहे हैं, लसवारी या वराह कहते हैं, क्या ठंडी हवा का प्रहार है, ठंडी हवा रही है,
और ये आप देखो वहां रहते पहाड़ों में जोरो, और हमारे यहाँ भी टेम्परेचर 5-7-8 के आसपास है, और मैं तो कहता हूँ कि 3-1-2 के आसपास कम से कम 1-2 महीने रह जाए तो, है ना, तो यहाँ आना ही बंद हो जाए मेरे साथ है ना, कि ना हम तो घर ही पढ़ लेंगे, आप तो क्लासरूम में पढ़ाते जाना और हम तो वहां पे अपने ऑनलाइन ले लेंगे बस अपने बैठे बैठे, हैं हो जाएगा है? कौन सी अब ले रहे हो क्या? आज इन्होंने यूट्यूब पे चला रखी दिखे मेरे को लगता है ना, पता नहीं क्या है। और ये कोई किसने कमेंट किया ये? गुरुदेव प्रणाम। हाँ प्रणाम भाई आप सब लोगों को, और कौन है इसमें? चलो कोई नहीं, इधर ध्यान देना। अब देखिए रूपारेल नदी जो है, इधर ध्यान देना, यहां पर ये रूपारेल नदी अलवर जो डिस्ट्रिक्ट है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में जयपुर से लगता हुआ जो क्षेत्र है, यहां पर एक अभयारण्य आएगा। इस अभयारण्य को अपन बोलते हैं सरिस्का, और इस सरिस्का के निकटवर्ती क्षेत्र में इसको स्थानीय स्तर पर क्या नाम देते हैं? लसवारी या वराह नाम देते हैं। समझना इसको, ध्यान देना। अब यहां पर ये सरिस्का के निकटवर्ती क्षेत्र में एक पहाड़ी है जिसका नाम है उदयनाथ। क्या नाम है? उदयनाथ। तो ये उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है, और उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलने के पश्चात अब ये अलवर में पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है सरिस्का के अंदर, ठीक है ना। और ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलने के पश्चात, ठीक है ना, अब ये अलवर के पूर्वी क्षेत्र में पहुंचती है, और इसका ढाल पूर्व की तरफ है, ध्यान रखना। अब ये नदी पहले यहां से निकल करके और सीधे भरतपुर में आती थी, और भरतपुर में यहाँ पे एक स्थान हुआ करता है, स्थान है जिसका नाम है सीकरी। क्या नाम है? सीकरी। और सीकरी नामक स्थान पर जाकर के नदी क्या हो जाती थी? लुप्त होती। लेकिन आज वर्तमान में ये सीकरी शामिल कर दिया गया किसमें? डीग में। इसका मतलब इसका गंतव्य स्थल कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो गया? डीग हो गया, ध्यान रखना, ठीक है ना, डीग को शामिल करेंगे। तो अब आगे ध्यान देना कि सरिस्का के आसपास के क्षेत्रों में बारिश खूब होती है, ध्यान रखना, इसलिए इस नदी में बाढ़ बहुत आती है, और इस नदी का ढाल भरतपुर की तरफ है। होता क्या था, जब इस नदी में पानी ज्यादा आता है, बारिश होती है, तो भरतपुर शहर इससे क्या हो जाता है? जलमग्न हो जाता है। आपसे सवाल पूछा जाए कि रूपा रेल नदी के माध्यम से कौन सा डिस्ट्रिक्ट बाढ़ से ज्यादा प्रभावित हुआ करता था, तो वो कौन था? भरतपुर। ये ध्यान रखना यहाँ पे। लेकिन भरतपुर प्रशासन और अलवर प्रशासन ने इसके लिए कदम उठाया कि भाई बाढ़ का प्रभाव ज्यादा नहीं, उसको कैसे रोका जाए। तो इन्होंने क्या किया कि सरिस्का से थोड़ा आगे निकलते तो यहां पर इस स्थान पर एक कस्बा आता है जिसका नाम है नटनी का बारा, ठीक है ना, एक जगह आती है नटनी का बारा, और इस नटनी का बारा नामक स्थान पर यहां पर दोनों डिस्ट्रिक्टों के प्रशासन के माध्यम से यहां पर एक छोटा सा डैम बनाया, बांध बना दिया, और इस डैम को ही नटनी का बारा बांध का नाम देते हैं, जिसमें जल को रोका जाता है। अब क्या होता है यहाँ पर, जब बारिश आती है तो पानी इकट्ठा होता है, अब इसमें से कुछ पानी को अलवर की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है यहाँ पर नहर के माध्यम से, ध्यान रखना, और ये पानी पहुंचा दिया जाता है अलवर के सीली सेड़ के आसपास के क्षेत्र में, इसमें पानी को पहुंचा दिया जाता है, और कुछ जो पानी है वो वापस डैम के माध्यम से वो सीधा इसी नदी में छोड़ दिया जाता है, और वो सीधा भरतपुर की तरफ यानी वर्तमान डीग की तरफ निकल जाता है। लेकिन अब हमें ये ध्यान रखना है, जब इसका पानी भरतपुर की तरफ निकलता है तो भरतपुर में यहाँ पे ध्यान देना एक क्षेत्र है जिसका नाम है लोहागढ़। लोहागढ़ का किला का नाम सुना है, ठीक है ना, तो भरतपुर के लोहागढ़ की तरफ ये नदी चलती है, ध्यान रखना। यहीं पर आप ध्यान रखना जयपुर के वर्तमान हम कोटपुतली बहरोड की बात करें तो यहां पर एक पहाड़ी आती है जिसका नाम है विराट नगर की पहाड़ी या बैराट की पहाड़ी जिसको अपन कहते हैं, जो पहले जयपुर का हिस्सा हुआ करती थी, अब वर्तमान में कोटपुतली बहरोड का हिस्सा हो चुकी। तो ये नदी यानी कि यहाँ पे कोटपुतली बहरोड के बैराट नगर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बाणगंगा नदी। क्या नाम है? बाणगंगा। और ये बाणगंगा नदी यहां से निकल करके, जयपुर से निकल करके और दौसा से होती हुई और सीधे भरतपुर के लोहागढ़ में पहुंचती है, ठीक है ना, लोहागढ़ में पहुंच। अब सरकार ने क्या किया कि जब ये लोहागढ़ में एक तो पहुंच रही कौन सी, यहाँ पे साबी नदी का पानी पहुंच रहा है और एक बाणगंगा नदी का पानी पहुंच रहा है, तो सरकार ने इन दोनों नदियों के पानी को रोक करके, इन दोनों नदियों के पानी को रोक, यानी कि एक बांध बना करके पानी को रोक लिया गया, और रोक करके इसके पीछे यहां पर एक झील बना दी गई,
ठीक है ना, झील बना दी गई, और उस झील को आज वर्तमान में हम नाम देते हैं मोती झील, ठीक है ना, मोती झील, नोट मोती झील, ठीक है ना, ध्यान रखना है ना, मोती झील यहाँ पे। अब ये भरत, मोती झील से भरतपुर को यहां पर पेयजल की सुविधा उपलब्ध होती है, ध्यान रखना, इसलिए इसको मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन का दर्जा दिया जाता है, ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है ना, भरतपुर की लाइफ लाइन। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मोती झील जो है इन दोनों नदियों के पानी को रोक करके बनाई गई। तो अपन तो बात कर रहे थे यहाँ पे रूपा रेल की, तो रूपा रेल नदी का जो अपवा क्षेत्र वर्तमान में है वो विशेष करके अलवर और डीग को इसमें यहाँ पे शामिल किया जाएगा, ठीक है ना। भरतपुर का छोटा सा एरिया और लेकिन डीग के एरिया जा, तो यह डीग के क्षेत्र में जाकर के और ये सीकरी नामक स्थान पर जाकर के ये नदी पूरी तरह से क्या हो जाती है, समाप्त या वहां पर जाकर के लुप्त हो जाती है इस स्थान पे यहाँ पर, ठीक है जी। तो अब लिखना इसमें रूपा रेल, लिखना रूपा रेल, क्या हुआ, नहीं नहीं तो बात तो दूसरी है, कामड़ा तो दूसरी बात अलग हो गई है। अरे बताना क्या कह रहे हैं दीपक, क्या नाम है आपका, हाँ ऐसा हो ही नहीं सर, मैं क्यों नहीं आसा है, तुम है ना आज पीछे बैठ गए दोनों के दोनों है ना, और है ना दो चार दिन से आप गायब थे, ये शांति से बैठा था है ना, और कल से है ना ध्यान रखना, आज तो बैठ गए दोनों एक दूसरे के नजदीक, और एक इधर उत्तर में बैठेगा एक दक्षिण बैठ जाएगा, कल ध्यान रखना, ठीक है ना, आपस में दोनों भी डिस्टर्ब होते हो और मेरे को भी डिस्टर्ब करते हो यहाँ पे। लिखना इसमें, यहाँ पे लिखना, इसमें लिखना साबिन उद्गम स्थल, पढ़ने आते हो पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत, क्लास के बाहर चाहे मेरे साथ में डांस कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तैयार हूँ भाई साहब, ध्यान रखना है ना। लिखना उद्गम स्थल सरिस्का की, उदयनाथ की पहाड़ी, सरिस्का की, उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी। गंतव्य स्थल, गंतव्य स्थल वर्तमान डीग के सीकरी नामक स्थान पर, वर्तमान डीग के सीकरी नामक स्थान पर, पहले भरतपुर में था ये, अब तो होता ही नहीं है, अब तो वैसे ही नहीं होता क्योंकि बांध बना दिया ना, तो बांध बनाने के बाद में होता नहीं। अपन से ये सवाल जरूर पूछा जाए कि इससे पहले बाढ़ आने पर इससे जिला प्रभावित होता था तो वो भरतपुर ही आएगा इसमें, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। लिखना इसमें विशेषताएं, लिखना विशेषताएं, इसका अपवाद क्षेत्र अलवर भरतपुर डीग अलवर भरतपुर डीग, जबकि पहले अलवर भरतपुर में होता था, क्योंकि पहले अलवर भरतपुर में होता था। मैं दोनों लिखवा रहा हूं, ध्यान रखना, पुराने भी नए भी, कल ने मान लो कि पुराना का पूछ ले नए का नहीं पूछे तो दिक्कत। इसका अपवाद क्षेत्र अलवर भरतपुर डीग में, जबकि पहले अलवर भरतपुर में होता था, ठीक। अगली विशेषता लिखना, इसे स्थानीय स्तर पर, इसे स्थानीय स्तर पर लसवारी ओब्लिक वरहा, इसे स्थानीय स्तर पर लसवारी ओब्लिक वरहा भी कहते हैं, नेक लिखना। अलवर में इस नदी पर, अलवर में इस नदी पर नटनी का 12 स्थान पर, अलवर में इस नदी पर नटनी 12
नमक स्थान पर, नमक स्थान पर बांध बनाकर, बांध बनाकर बाढ़ के प्रभाव को, बांध बनाकर बाढ़ के प्रभाव को कम किया गया है। और यहां का कुछ पानी, और यहां का कुछ पानी अलवर की सीलीसेड और कुछ भरतपुर भेजा जाता है। अलवर की सीलीसेड, सीलीसेड सीलीसेड वह कुछ पानी भरतपुर भेजा जाता है, सीलीसेड झील में या भरतपुर में भेजा जाता है। कुछ पानी अलवर के सीलीसेड झील व भरतपुर में भेजा जाता है। आगे लिखना, इससे सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित जिला, इससे सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित जिला, प्रभावित जिला भरतपुर हुआ करता था। भरतपुर हुआ करता था। उसके बाद लिखना, भरतपुर के लोहागढ़ के निकट, भरतपुर के लोहागढ़ के निकट, के निकट रूपारेल, भरतपुर के लोहागढ़ के निकट रूपारेल व, भरतपुर के लोहागढ़ के निकट रूपारेल व बाणगंगा नदी के जल को रोककर, बाणगंगा नदी के जल को रोककर मोती झील, मोती झील बनाई गई है। मोती झील बनाई गई है जिससे भरतपुर शहर को, जिससे भरतपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति, जिससे भरतपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति होती है। हाँ, वो नहर से पानी चला जाता है। हाँ, अभी लिखवा दूंगा आगे। भरतपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति होती है, इसलिए इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। उसके बाद लिखना, इस झील से पानी सुजान गंगा नहर से, इस झील से पानी सुजान गंगा नहर से पहुंचता है भरतपुर में ना, इस झील से पानी सुजान गंगा नहर से पहुंचता है। और वो दुर्ग आपने देखा हो तो नेट पे भी सर्च करना, वो दुर्ग है तो उसके चारों तरफ खाई बनी हुई है, उसमें पानी इसी से भरते है पानी पूरा, जिसको वो फिर, ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना। ठीक है, ये हो चुकी है आपकी रूपारेल नदी। अब इसके बाद में डाल रहा हूं रूपनगढ़ नदी, नेक्स्ट डालना रूपनगढ़। रूपनगढ़ नदी समझना, इसको ध्यान देना। रूपनगढ़ जो नदी है, ध्यान देना, यहां पे जयपुर अजमेर और नागौर के बीच में, ठीक है ना, यहां पे एक झील आती है जिसको अपन बोल रहे हैं सांबर झील, ठीक है ना, सांबर झील। अजमेर के उत्तरी भाग पर अपन देखें, इस स्थान पर दूध से लगते हुए क्षेत्र में, तो यहां पर अजमेर का एक कस्बा आता है जिसका नाम है किशनगढ़,
ठीक है ना, किशनगढ़, और किशनगढ़ के निकटवर्ती क्षेत्र में किशनगढ़ की पहाड़ी आ जाती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहां अजमेर के किशनगढ़ की पहाड़ियों से ये रूपनगढ़ नदी निकलती है और ये फिर उत्तर की तरफ जाती है, और यहां से निकलने के पश्चात किशनगढ़ के पास में अजमेर का एक और कस्बा आता है जिसका नाम है रूपनगढ़, ठीक है ना, रूपनगढ़। तो रूपनगढ़ शहर जो है ना अजमेर का, वो रूपनगढ़ नदी के किनारे पर स्थित है, ध्यान रखना। अब ये नदी यहां से रूपनगढ़ से निकल करके और इसी के पास में यहां पर एक झील आ जाएगी, सांबर झील, और सांबर झील में जाकर के नदी गिर जाती है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि इस नदी का जो अपवा जो क्षेत्र है वो केवल केवल एक डिस्ट्रिक्ट आएगा, और वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है, अजमेर को इसमें शामिल किया जाता है। क्लियर चीज यहां पर, इसको इतना ध्यान रखना, लिखना इसमें, लिखना, कंटिन्यू लिख देना। अजमेर के किशनगढ़ की पहाड़ियों से, अजमेर की किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकलकर, किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकलकर निकलकर रूपनगढ़ से होती हुई, अजमेर की किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकलकर रूपनगढ़ से होती हुई रूपनगढ़ से होती हुई सांबर झील में गिरती है, सांबर झील में गिरती है, आगे लिखना, इसके निकट निम्बार्क संप्रदाय की पीठ, निम्बार्क संप्रदाय की पीठ स्थित है, निम्बार्क संप्रदाय की पीठ स्थित है, ठीक है। तो ये आपकी अंत्य प्रवाह की नदियां हो जाएंगी, जिसमें अपन ने बात की थी स्टार्टिंग में, कौन सी थी, कांकने, फिर कांतली, फिर गग्गर, फिर साबी, फिर रूपारेल और फिर रूपनगढ़, ये कोड के रूप में अपन बात कर चुके थे यहाँ पे, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट डालना, सांबर झील में, झील में गिरने वाली नदियां व नाले कौन कौन सी हैं, तो इसका एक डायग्राम बना लेना, सांबर झील नागौर पहाड़ी खंडेला पहाड़ी हर्ष पहाड़ी हर्ष पहाड़ी मनोहरपुर पहाड़ी किशनगढ़ पहाड़ी प्रमुख नदी ए नंबर पे है, खारी नदी
खारी नदी बी नंबर पे है, खंडेला नदी सी नंबर पे, मेढा नदी डी नंबर पे, मंथा नदी ई नंबर पे है, रूपनगढ़ नदी। एक दो तीन और चार प्रमुख नाले ईसरदा, तयोद, देवयानी, ईसरदा, तयो, देवयानी, एक और है कौन सा है ना, हाँ जपोक, जपोक, और ये सभी नाले निकलते हैं जयपुर से। ये बना ले, ठीक है, समन इसको ध्यान देना। अब एक सवाल हमारी ये बनेगा, सांभर झील के बारे में तो हम आगे बात करेंगे डिटेल्स इनकी, एक सवाल हमारी ये बनेगा कि सांभर झील में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, और सांभर झील में गिरने वाली जो नदियां होंगी वो सारी भी अंतःप्रवाह की नदियां होंगी, ध्यान रखना। इनमें से दो नदियां तो अपन पहले ही पढ़ चुके, मंथा नदी और रूपनगढ़, इसके अलावा तीन नदियां और आ जाती है, ध्यान रखना, जो अंतःप्रवाह की नदियां मानी जाती है। एक नदी तो आएगी जो नागौर के पहाड़ियों से निकलती है, जिसको अपन बोलते हैं खारी नदी, ध्यान रखना। राजस्थान में नदी खारी आएंगी तीन, ध्यान रखना, लेकिन तीनों का अपवाह क्षेत्र अलग अलग होगा, ध्यान रखना। तो वो जहां जहां अपन पढ़ते जाएंगे तो उस जगह मैं नोट लिखवाता जाऊंगा कि पहली खारी आ गई, दूसरी खारी आ गई, तीसरी खारी आ गई यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहली खारी नंबर अब हमारे पास में सांभर झील में गिरने वाली आ जाएगी, जिसका अपवाह क्षेत्र नागौर में, ध्यान रखना यहाँ पे, क्लियर। और सांभर की सहायक नदी मानी, अब इसके पश्चात ध्यान रखना, सेकंड नंबर पे आती है यहाँ पे खंडेला नदी। अपन ने बात की थी खंडेला की पहाड़ी की उत्तरी भाग से, तो सीकर में जो निकलती वो तो कांतली निकल जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है, और खंडेला पहाड़ी के दक्षिण भाग से जो निकलती उसको अपन बोलते हैं खंडेला नदी,
सीकर से आती है, नागौर से होती हुई और सीधे फिर ये चली जाती कहां पर, सांभर झील में जाकर के गिर जाती। फिर हम देखें तो सीकर में एक पहाड़ी आती है जिसका नाम है हर्ष की पहाड़ी, पहले समझना इसको, ध्यान रखना। हर्ष की पहाड़ी से एक नदी निकलती जिसका नाम है मेड़ा नदी, और राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है जिनका नाम है एच एस शर्मा जी, और एच एस शर्मा जी ने ये कहा कि राजस्थान की जो सांभर झील है वो सांभर झील में लवणता का जो विकास हो पाया उसका संबंध टेती सागर से नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र में लवणीय पदार्थों के विकास में इसके निकटवर्ती क्षेत्र से बहकर के आने वाली नदियों का सबसे बड़ा योगदान है, उन्होंने ये कहा। वो जिसमें से सबसे बात भी ये बताई कि सेकावटी क्षेत्र में हर्ष की जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों में लवणीय पदार्थ ज्यादा है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट जैसे लवणीय पदार्थों की वहां पर क्या है, मात्रा ज्यादा है। और जब वर्षा होती है तो वर्षा का पानी जब उन चट्टानों के संपर्क में आता है तो संपर्क में आने के पश्चात घोलीकरण के माध्यम से वो लवणीय पदार्थ उस जल के द्वारा अलग कर लिए जाते हैं, और वो लवणीय पदार्थ फिर उस जल के साथ में घुल करके सीधे चलते हैं नदी के साथ में, ठीक है ना। तभी तो कहते हैं वैज्ञानिक यहाँ पर, ये कहते हैं कि आज हमारी पृथ्वी के ऊपर जो महासागर खारे हैं तो उसके पीछे कारण क्या माना जाता है, उसके पीछे कारण यही माना गया, ध्यान रखना, कि पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले ऊपर क्रस्ट बनी, ठीक है ना। पहले तो ये कहते हैं कि पृथ्वी आग का गोला हुआ करती थी, और उस आग के गोले के धीरे 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 ठंडी होने के कारण से ऊपर यहां पर आग्नेय निर्मित चट्टानों का विकास हुआ। सिंपल सा एग्जाम्पल ध्यान देना कि हमारे घर में हम दूध गर्म करते हैं, ठीक है ना, और दूध गर्म करने के पश्चात तो उसके ऊपर हम प्लेट ढक दें, तब तो दूध के ऊपर मोटी मलाई नहीं आएगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब ये शक मेरे ऊपर मत करना कि सर आप ये काम करते हो कि नहीं करते हो, है ना, ध्यान रख। तो हम जब प्लेट हटा देते हैं तो फिर देखना कि उस दूध के ऊपर मोटी मलाई की परत जम जाएगी और नीचे दूध गर्म रहता है पूरी तरह से, ठीक है ना। और उसके ऊपर फिर आप छोटा सा कोई भी पत्थर या उसके ऊपर कुछ भी आप मारते हो तो मलाई बीच में टूटती है, नीचे से दूध बाहर आ जाता है उसमें। तो सेम पृथ्वी के ऊपर भी यही हुआ कि पृथ्वी पहले आग का गोला थी, धीरे धीरे ठंडी हुई तो मलाई के रूप में ये चट्टानों का एरिया बना सतह के ऊपर, यहाँ पे ध्यान रखना। और फिर ऊपर उल्काओं का प्रहार हुआ पृथ्वी के ऊपर, वो टूटी अंदर का लावा बाहर पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुआ, और जिसके कारण से आग ने निर्मित चट्टानों का यहाँ पर क्या हुआ, विकास हुआ, और उनके अंदर दुनिया भर के लवणीय पदार्थों का जमा हो पाया। और जब पृथ्वी के ऊपर सागर बन चुके थे तो उन नदियों के द्वारा उन चट्टानों के ऊपर से जब गुजरी थी तो गुजरने के पश्चात वो लवणीय पदार्थ घोलीकरण के माध्यम से अलग कर लिया गया और वो सारा लवणीय पदार्थ नदियों के माध्यम से समुद्रों में पहुंचा दिया गया, इसलिए समुद्र का पानी क्या हुआ है, खारा। और वैज्ञानिक ये कहते हैं कि समुद्र के पानी में इसे लवणीय पदार्थों को निकालने, ठीक है ना, तो निकालने तो हमारी पृथ्वी के ऊपर 30 सेंटीमीटर मोटी नमक की परत जमा हो जाएगी, पूरी पृथ्वी के ऊपर इतना नमक मौजूद है समुद्र के अंदर यहाँ पर। तो यही चीज एच एस शर्मा जी के द्वारा बताया गया कि हर्ष की पहाड़ी में लवणीय पदार्थ ज्यादा थे और मेड़ा नदी यहां से लवणीय पदार्थों को निकाल करके और सांभर झील में सीधे के सीधे पहुंचा दिया गया, जिससे कि सांभर झील का जल खारेपन के रूप में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो आपसे सवाल पूछा जाए कि सांभर झील में सबसे ज्यादा लवणीय पदार्थ लाने वाली नदियों में कौन सी नदी को इसमें शामिल करेंगे, मेड़ा नदी को इसमें शामिल करेंगे। वहीं पे फिर अपन ने मंथा की बात कर चुके थे और इधर ये रूपनगढ़। एक हमें ध्यान रखना है कि जयपुर के आसपास के क्षेत्र से सांभर झील में कुछ छोटे छोटे नाले पहुंचते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना, नाले। अब ये तो पूछेगा नहीं कि कौन सा नाला कहां से आता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि बरसाती नाले, बारिश के मौसम में इनमें पानी रहता है, ध्यान रखना। अब हमारी ये जरूर पूछ लेता है कि ईश्वरदा तयो देवज्ञानी जपोग निम्नलिखित में से क्या है, या निम्नलिखित में से क्या है, ये सवाल बन जाता है। तो ध्यान रखना, ईश्वरदा जपोग तयोद और देवयानी जो है एक प्रकार के नाले हैं, जो बरसाती नाले जो कि सांभर झील, सांभर के आसपास के क्षेत्र से निकल करके और सीधे कहां जाकर गिर जाते हैं, सांभर झील में जाकर के गिर जाते हैं, यह हमें ध्यान रखना है सिद्धांत पे। तो सांभर झील में गिरने वाली नदियों में कौन कौन सी आएंगी, खारी, खंडेला, मेढा, मंता, रूपनगढ़, और नाले कौन कौन से आएंगे, ईसरदा, तयोद, देवयानी, जपो। तो नीचे नोट करके लिखना इसमें। नहीं, ऐसा नहीं बनेगा, नेक लिखना इसमें, लिखना मेढा नदी सबसे अधिक लवणीय पदार्थ लेकर आती है, मेढा नदी सबसे अधिक लवणीय पदार्थ लेकर आती है।
अब उसके बाद नेक्स्ट डालना, ये हो चुका आपका अंत्य प्रवाह। अब इसके बाद में डालना अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तीन अपवतंत्र लिखे ना अपन ने, तो पहला तो हो गया अंत्य प्रवाह, अब सेकंड नंबर पे अरब सागरीय अपवतंत्र। अरब सागरीय अपवतंत्र अपवाह तंत्र, ये है 70%। फर्स्ट नंबर पे कच्छ के रण में गिरने वाली नदियां, सेकंड नंबर पे खंबात की खाड़ी, खाड़ी में गिरने वाली वाली नदियां। अब कच्छ के रण में गिरने वाली दो नदियां हैं, एक तो है लूनी, लूनी नदी, सेकेंड नंबर पे है पश्चिमी बनास नदी। लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र 10.40%, ये परसेंट सवाल पूछे जा रहा था, और ये है 1%, वो सॉरी 0.90%, मोटा मोटा 1 मान लेते हैं। और खंबात की खाड़ी में गिरने वाली दो नदियां हैं, एक तो है साबरमती और एक है माही। साबरमती का है परसेंटेज 1%, और माही का है 4.80%, 4.80। अब इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, इसका कोड जवाई, साली, जोबी, मिली, बहुत, घुसेल वे सन की है। जवाई में जवाई नदी, सामे सांगी नदी, ली में लीलड़ी, लीलड़ी नदी, जो में जोजड़ी नदी, इसमें डी डी आएंगे सब में ध्यान रख, बी का कुछ अर्थ नहीं। मिली में मीठड़ी, मीठड़ी भी दो होंगी, बहुत में बांडी, बांडी एक जयपुर में भी है, घुसेल में घुइया, और सनकी में सूकड़ी। ये लूनी की सहायक नदियां होंगी। पश्चिमी बनास की सहायक नदी एक है सिपू, सिंपू। साबरमती नदी का सहायक नदियों का कोड मामा, वास्तव में, हाथ से दुखी है या नहीं है वो अलग बात है ना, दुखी है। मामा में माजम, वास्तव में वाकल, में मेसवा, हाथ में हतमती, से में सेई, दुखी का अर्थ है वेतरणी। और माही में सोम, चाप,
जाखम, अनास, हरण, ईरु, सोम, चाप, जाखम, अनास, हरण, ईरु, इसका कोड आप बना लें। ये लूनी की ये सब की इसकी सहायक नदियां। स्टेपिज तुल्य वही आ गई, अर्ध शुष्क वाले एरिया सेकावटी क्षेत्र। अच्छा, परसों की तैयारी चल रही है। हाँ, सेकावटी क्षेत्र आएगा। आपकी बात टॉप पर टॉप कौन कर रहा है? तो टॉप का ठेका आप नहीं दे हैं, बता रहे हैं? नहीं भाई साहब, नहीं, आपने वो 500 के नाम पे कभी ऐसा नहीं किया, चलो कचौरी खिला दे क्लास में। हाँ, और फिर संख्या ज्यादा भी नहीं है उसमें, आ ही जाएगा, कम बत्ती हो गए तो फिर कर देंगे। हाँ ठीक है, उतार लिया इसको। ठीक है, एक तो ध्यान रखना है यहाँ पे, समझना। देखिए, भारत में वो सॉरी राजस्थान में जो अरब सागरी अपतंत्र है वो लगभग लगभग देखा जाए तो 17% के करीब इसका एरिया आता है। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा एरिया तो आ रहा है अंतः प्रवाह का, 61% के करीब, जो अपन ने बात की थी। ध्यान रखना, अब एक हमें ध्यान रखना है कि इसमें भारत के पश्चिमी किनारे पर जो अरब सागर है, ठीक है ना, यहाँ पे अरब सागर की स्थिति जो आ रही है, इस अरब सागर में हम देखें तो यहाँ पे वाला जो ये वाला जो हिस्सा है इसको तो अपन बोलते हैं खंबात की खाड़ी, ठीक है ना, बे ऑफ खंबात। और इस स्थान पे अपन देखें तो यहां पे आ जाता है कच्छ का रण, ठीक है ना, गुजरात के ऊपरी किनारे पे कच्छ का रण, और इसके ऊपर अपन देखें तो हमारा ये राजस्थान वाला एरिया जाएगा। अब ये जो कच्छ का जो रण है, तो इस कच्छ के रण में हमारे राजस्थान का, ये मान लो कि हम राजस्थान का अरावली, और ये पश्चिमी हिस्सा राजस्थान का, तो इस अरावली के पश्चिमी क्षेत्र से निकलने वाली जो नदियां हैं वो इस कच्छ के रण और खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। ध्यान रखना, अरब सागर में जाकर गिरती है। लेकिन हमें थोड़ा अंतर ध्यान रखना है यहाँ पर कि कच्छ के रण में दो नदियां गिरती है, एक तो लूनी नदी और एक गिरती पश्चिमी बनास। ये ध्यान रखना, यहां पर इस स्थान पे हम देखें कि कच्छ का रण में ये वाला जो है, कच्छ के रण का ये वाला हिस्सा जो है, पश्चिम वाला हिस्सा,
जो राजस्थान से लगता हुआ है, इसको अपन बोलते हैं महान कच्छ बोलते हैं, महान कच्छ का रण का नाम देते हैं, यानी कि ग्रेट रण ऑफ कच्छ जिसको अपन कहते हैं। और इसी के जस्ट नीचे यहां पर देखें तो यहां पे मिलता है छोटा कच्छ या लिटिल कच्छ का रण, ठीक है ना, लिटिल कच्छ का रण। तो हमें यह ध्यान रखना है कि लूनी नदी तो महान कच्छ के रण में जाके गिरेगी, ठीक है ना, महान कच्छ के रण, और जबकि पश्चिमी जो बनास है वो किस में जाके गिरेगी, लिटिल कच्छ के रण। तो हमारी यहां अंतर कर लेता है ध्यान रखना कि हमें ये तो याद है कि दोनों नदियां कच्छ के रण में जाके गिर रही है, लेकिन दोनों में से दोनों नदियां कौन कौन सी कच्छ के रण में जाके गिर रही है, तो लूनी नदी तो गिर रही है महान के कच्छ के रण में, और पश्चिमी बनास गिर रही है लिटिल कच्छ के रण में जाकर के गिर जाती है। और फिर इस अरावली के इधर की दक्षिण पश्चिम की तरफ हम देखें तो कुछ नदियां निकल करके आती जो खंभात की खाड़ी में जाके गिरती हैं, तो उनमें एक तो साबरमती और एक माई गोसामी। आज इनका परसेंटेज पूछा जाता है, अपन वर्ग किलोमीटर में पढ़ते समय बात करेंगे कि इतने कितना वर्ग किलोमीटर इनका पौध क्षेत्र आता है, ये सवाल बन रहे हैं आजकल, ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है ना। तो परसेंटेज तो अपन ने अभी लिख चुके कि अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि आप आपसे सवाल पूछा जाए कि राजस्थान में अरब सागरी अपवाह तंत्र में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किस नदी का आएगा, लूनी नदी, और सबसे कम किसका आएगा, पश्चिमी बनास का, ये हमें ध्यान रखना है। अब आपसे सवाल ये भी बना देगा एग्जाम में कि अरब सागरी अपवाह तंत्र में कच्छ के रण में गिरने वाली नदियों का अपवाह क्षेत्र कितना परसेंटेज है, तो लगभग लगभग हम इसको एक मान ले और 10.4 तो यानी कि 11.40% के आसपास, मोटा मोटा अपन देखें। आपसे सवाल पूछा गया कि पूछा जाएगा कि खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का अपवाह क्षेत्र कितना, 4.80 और 1% 5.8 लगभग 6% के करीब अपन मान लें इसको, क्लियर जी, ये ध्यान रखना है। और ये सहायक नदियां ध्यान रखनी इसमें यहाँ पे, वो फिर एक एक डायग्राम के माध्यम से सारी नदियां सहायक नदियां उसमें आ जाएंगी यहाँ पे। तो फटाफट बोलते जाना, लूनी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी होंगी, जवाई, सांगी, लीलडी, जोजड़ी, मीटड़ी, गुइया और सुकड़ी। पश्चिमी बनास की एकमात्र सहायक नदी आती कौन सी, सीपू। साबरमती की सहायक नदियां कौन कौन सी है, माजम, वाकल, मेसवा, हतमती, सेई, वैतर। और माई की सहायक नदियां कौन सी है, सोम, चाप, जाखम, अनास, हरण, ईरू को इसमें शामिल करें यहाँ पे, क्लियर जी। फिर कल से अपन बात करेंगे एक एक नदी की, यहाँ पर लूनी नदी की बात करेंगे, क्या किनका नहीं, वो क्रम डायग्राम में आएगा, अपन ने तो केवल नदियों का नाम लिखा है, डायग्राम में वो क्रम आ जाएगा। बारह में, हाँ अब वो उसमें ऑप्शन दिया नहीं, बारह में नहीं, झालावाड़ नहीं।